हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डासिया इलेक्ट्रिक कार के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस कार की खासियत के बारे में। रोमानिया की ऑटोमोबाइल कंपनी डेसिया ने अपनी अपडेटेड डेसिया स्प्रिंग इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठा दिया है। डेसिया की पेरेंट कंपनी रेनो ग्रुप है, जिसके चलते इस कार का डिजाइन क्विड से काफी मिलता जुलता है। इसे आप क्विड का इलेक्ट्रिक अवतार भी कह सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक कार में क्विड से कई अपडेट लिए गए हैं, साथ ही स्प्रिंग इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन अपकमिंग डस्टर से काफी मिलता जुलता नजर आ रहा है। कंपनी ने इसे ग्लोबली पेश किया है। डेसिंग स्प्रिंग के डिजाइन की बात करें तो इसमें रेनो डस्टर की तरह नई फ्रंट ग्रिल, LED हेडलाइट्स मिलते हैं, जिसके चलते हैचबैक कार का लुक पहले से ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। कार में स्कीड प्लेट और बम्पर इसके लुक को ज्यादा बोल्ड बना रहे हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक कार में अपडेटेड व्हील्स मिलते हैं। प्री फेसलिफ्ट मॉडल की तर्ज पर इस इलेक्ट्रिक कार में ग्रीन हाउस एरिया और लार्ज डोर हैंडल मिलते हैं। कार के फेंडर में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है। अपडेटेड मॉडल में सी पिलर के साथ रिबन भी जोड़ा गया है, जिसके चलते इसमें क्रॉस ओवर की झलक देखने को भी मिलती है। अपडेटेड इलेक्ट्रिक हैचबैक अब कुछ नए कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी, जिसमें ब्रिक ग्रेड और सफारी वेज पेंट शामिल किए गए हैं। डेसिया स्प्रिंग के इंटीरियर की बात करें तो इसका डैशबोर्ड भी अपडेटेड किया गया है। अब इसमें 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच का फ्री स्टेडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। हालांकि एंट्री लेवल मॉडल में इस तरह का चेंज नहीं किए गए हैं। एसी वेंट्स, गियर शिफ्टर, डैश माउंटेड ट्रे को भी रीडिजाइन किया गया है। कुल मिलाकर इंटीरियर काफ़ी नया और प्रीमियम मिलेगा। कंपनी ने इसमें मैकेनिकल चेंजेस नहीं किए हैं। इसमें पहले की तरह एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर फ्रंट व्हील के माध्यम से 45 HP या 65 HP का पावर भेजती है। ये कार 13.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। इसमें 26 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो सिंगल चार्ज पर 220 किलोमीटर की रेंज की दावा करती है। स्प्रिंग का वजन 784 kg का है, यह पुरानी मॉडल से 6 kg ज़्यादा है। इस कार में 11 किलोवाट पर चार्जर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें 308 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।